नहीं नहीं चमत्कार कुछ नहीं होता, एक भाग तो गया भगोड़ा, उसको महाराष्ट्र में एक चैलेंज किया चमत्कार करने को, अब छुपा घूम रहा है वो अभी, है ना, बागेश्वर धाम वाला घूम रहा है जेल जाने के डर से। तुम नारियों के खिलाफ बोल रहे हो, नारी को पैर की जूती बता रहे हो, तो इसीलिए आज बैठी है ना नारी यहाँ बैठी है बेचारी। वो युवा पहलवान अपना पूरा मान सम्मान घर की प्रतिष्ठा दाव पे लगा के आज इतनी मजबूर हो गई कि उसको पूरी दुनिया के सामने बोलना पड़ा कि मेरे साथ यौन शोषण हो रहा है। तो इसीलिए हम भी आए अनुसूचित जाति के आदमी, हमारे साथ जातिगत शोषण होता है, हमारे पहलवानों को बराबर मौके नहीं मिलते, उनको जाति देख करके उनको निकाल दिया जाता है। अपनी जमानत करवा ले वो, वही बड़ी बात है, वो अपने आप को बचा ले, वो भागा फिर रहा है, वो उसका उसका चमत्कार निकल गया, एक उसने वहां पर एक्ट है अंधविश्वास के खिलाफ उसके लग गया केस लग गया, अब वो अपने आप को तो बचा के चमत्कार कर ले। मनुस्मृति के हिसाब से तो नारी का कोई स्थान ही नहीं है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। तो देखिए भावनाएं तो हमारी हाथ हो रही है, 5000 साल से महिला और अनुसूचित जाति जनजाति सबका ही शोषण हो रहा है, आज आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो। जब एक आवाज उठ गई, एक शिक्षा मंत्री ने तुम्हारी उसको पोल खोल दी, तो तुम वहां पर टीवी पे बैठ करके वो उसको लेके रामचरितमानस को वो बता रहे हैं, उसके अर्थ बता रहे हैं, पहले क्यों नहीं बताया भाई? जब हमें मंदिर में जाने से मारते हैं, जब महिलाओं को भी मंदिर में नहीं जाने देते, शूद्रों को भी नहीं जाने देते, जब क्यों नहीं बताते टीवी वाले कि पंडित जी इनको जाने दो, ये नहीं लिखा हमारे शास्त्र में, इनको भी आजादी है बराबर है, तब तो नहीं बताते, आज ये सब बता रहे हैं। आप लोग अनपढ़ गवार हैं शिक्षा मंत्री, हाँ तो उसमें लिख दिया ना उन्होंने, क्योंकि वो अनपढ़ गवार लिख दिया, पढ़ा लिखा शूद्र भी वो गवार ही है और अनपढ़ गवार वो ऊपर का जो ब्राह्मण है वो भी पढ़ा लिखा माना जाएगा। नहीं नहीं चमत्कार कुछ नहीं होता, एक भाग तो गया भगोड़ा, उसको महाराष्ट्र में एक चैलेंज किया चमत्कार करने को, अब छुपा घूम रहा है वो अभी, है ना, बागेश्वर धाम वाला घूम रहा है जेल जाने के डर से कि जो महिलाओं को ये पुरुष प्रधान घर से बाहर जाए, ऑफिस जाए, कहीं जाए, उसको ये जबरदस्ती फोर्स करते हैं और महिला बेचारी चुप रहती है। ब्रह्म ज्ञानी है, उन्हें ब्रह्म का ज्ञान है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान। हाँ तो अभी निकलने वाले हैं ब्रह्म के ज्ञान, एक से एक शास्त्र हमारे डॉक्टर प्रोफेसर उन्होंने चंद्रशेखर ने, एक शिक्षा मंत्री ने एक चौपाई क्या गादी कि पूरे के पूरे सारे चमत्कार और ज्ञान सारे के सारे दे रहे हैं, उसका अर्थ नहीं आता आप लोगों को। हाँ तो 5000 साल से क्यों गुलाम बना रखा था भाई हमें, आज अगर उसका अर्थ गलत है तो अनुसूचित जाति का जब सर्टिफिकेट बनता है तो भाई उसमें जातियां क्यों लिखी होती हैं? भारत के संविधान में आर्टिकल 342 में लिखा हुआ है कि जो हिंदू धर्म के विक्टिम है, पीड़ित है, जातिगत पीड़ित, वही शेड्यूल लिस्ट में वो जातियां आएंगी। तो भैया इसका मतलब है कि भारत का जो सिस्टम है, जो शेड्यूल लिस्ट पड़ी हुई है वहां पर जाके देखो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में, यानी गलत है, उसमें जातियां गलत लिखी हुई हैं। तुम्हारे कहने पर तुम जब मर्जी चाहो गलत बना लो, तुम जब मर्जी चाहो ठीक बना लो, जब तुम्हारी सुविधा हो तो हमें ढोल गवार शूद्र बना दो, और जब तुम्हारी सुविधा ना हो, जब तुम्हें अपने आप को बचाना हो, तब तुम कहो नहीं जी हमने तो नहीं कहा तुम्हारी, तो हमने तो जातियां ही नहीं बनाई है तुम्हारी। देखिए सबसे बड़ी बात ये की देखिए 400-500 साल देखिए 500 साल इस देश में मुगलों ने शासन किया, और जिन मुगलों ने इनको अछूत बनाया, जबरदस्ती इनके जनेऊ काटे, इनको पीट पीट करके दलित बनाया, इनसे गंदे पेशे करवाए, उनके खिलाफ इन्होंने नहीं लिखा एक शब्द भी, एक भी हिंदूवादी एक भी लेखक ने मुगलों के राज में, जब ये लिखी गई रामचरितमानस उस समय 1576 अकबर का बादशाह अकबर का मुगल शासक का राज था, और उसमें एक शब्द नहीं, और अछूतों के खिलाफ है, और उसमें दलितों के खिलाफ है, उसमें महिलाओं के खिलाफ है, मगर जिन मुगलों ने तुम्हें मारा पीटा जबरदस्ती फोर्सफुली तुम्हारे जनेऊ काटे, तुमने उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा भाई? 1858 तक जब तक ब्रिटिश रूल पूरा अपना कैप्चर नहीं कर लिया, बहादुर शाह जफर को जब तक खत्म नहीं किया, तब तक इन्होंने बाबरी मस्जिद का भी लफड़ा शुरू नहीं किया। ये तमाम क्यों नहीं करा भाई मुगलों के राज में? क्यों नहीं करा? बाबर ने तुम्हारे अयोध्या का मंदिर तोड़ा, लेकिन तुमने अकबर के टाइम पर तुमने उसमें नहीं लिखा। तुम अछूतों के खिलाफ बोल रहे हो, तुम शूद्रों के खिलाफ बोल रहे हो, तुम नारियों के खिलाफ बोल रहे हो, नारी को पैर की जूती बता रहे हो, तो इसीलिए आज बैठी है ना नारी यहाँ बैठी है बेचारी। वो युवा पहलवान अपना पूरा मान सम्मान घर की प्रतिष्ठा दाव पे लगा के आज इतनी मजबूर हो गई कि उसको पूरी दुनिया के सामने बोलना पड़ा कि मेरे साथ यौन शोषण हो रहा है। तो इसीलिए हम भी आए अनुसूचित जाति के आदमी, हमारे साथ जातिगत शोषण होता है, हमारे पहलवानों को बराबर मौके नहीं मिलते, उनको जाति देख करके उनको निकाल दिया जाता है। पहलवान लगाए 10 साल से क्यों चुपते, क्यों मेरी तारीफों के कसीदे बांधे जाते? मजबूरी थी ना, देखो महिलाओं की मजबूरी होती है, ध्यान रखना। महिला जब घर से नहीं निकलेगी, अगर महिला अगर घर से निकल के अगर वो बता देगी कि मेरे साथ ये हुआ है, तो माँ बाप रोक लेंगे उसको। वैसे ही बड़ी मुश्किल से महिलाओं को मौका मिलता बाहर जाने का, काम करने का, पढ़ने का, अगर वो भी और वो भी स्पोर्ट्स में अगर माँ बाप जाने दे रहे हैं, अगर वो बता देगी कि उसको सोचती है आज खत्म हो जाए कल हो जाए। खिलाड़ी है जो प्रधानमंत्री जी के डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं, अगर वो इतना डरेंगी तो देश कैसे चलेगा? नहीं तो आप देख लो ना, उन्होंने एक जबान खोली तो प्रधानमंत्री जी सबसे नजदीक थे, उनके तारीफों के कसीदे पढ़ रहे थे, उनके उनके वीडियो चल रहा है, जब वो जीत के आए तो
आज जो प्रधानमंत्री जी गायब हो गए उनकी आवाज भी नहीं आ रही है। जो एक पहलवान विदेश में रहता है जीतने के बाद फोन पे कह देते हैं शुभकामनाएं, क्या क्या बोलते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग चलाते हैं मीडिया में, लेकिन आज नहीं कह रहे। आज तो जंतर मंतर और रेसकोर्स रोड कितनी दूर है प्रधानमंत्री हाउस यहाँ से, मुश्किल से अगर ये बच्चे पैदल भी जाएंगे तो मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे यहाँ से जाते जाते प्रधानमंत्री हाउस। तो आज कहाँ गए प्रधानमंत्री वहां से? अब तो नहीं देखो, जो भी इस सरकार के विरुद्ध, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ, इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, इनके वे विचार के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा वो इस देश का वो आतंकवादी है, वो इस देश का राष्ट्रद्रोही है। क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे कुकर्मों की आवाज मत खोलना, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि अगर ये अपरकार कुछ भी करे, बामण कुछ भी करे, तो भैया शूद्र कुछ नहीं बोलेगा, और शूद्र कुछ भी करे तो उसको तुरंत फांसी पे लटका दो। ये तो लिखा है उनके सर में। आरएसएस प्रमुख ने कहा तो है यहाँ पर कोई भी रह सकता है पर कमतर बन के रहना पड़ेगा। हाँ कमतर, वही तो लिखा ना उनके मनुस्मृति, वही तो हिंदू राष्ट्र है, वही तो कह रहे हैं भाई तुम रहो, सब रहो, यहाँ शूद्र भी रहे सब रहे, लेकिन जैसे पहले ही बन करके, हमारे गुलाम बन के, हमारे सेवक बन के। वो तो कह रहे हैं महिला को भी वस्तु कहते थे वस्तु, आज वो पहलवान बैठे हैं यहाँ पर जो क्रीम है, जो गोल्ड मेडल लेकर के आए, जिन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व लगा करके पूरे देश की पूरा मान सम्मान बढ़ाया, तिरंगे का दुनिया में नाम रोशन किया, आज वो यहाँ बैठे हैं 3 दिन से, आज इनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सत्ताधारी हैं वो कह रहे हैं हम तो मनुस्मृति से देश चलाएंगे, भारत के संविधान से नहीं चलाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि भैया हम रामचरितमानस से चलाएंगे, वो तो ये कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र में तो भैया औरत जो है मरे हुए पति के साथ सती होती है, उसमें तो उसमें जो सुंदर सुंदर लड़कियां हैं उनको देवदासी बनाया जाता है, और जो विधवा हैं उनको शादियां नहीं करने दी जाती हैं, उनको तो घरों में शोषण होते हैं। तो इसीलिए वो कहां हो गई महाराज, 2000 नहीं हो गई है, बाबा साहब ने किया था, बाबा साहब ने किया था, मगर ये सरकार आके पूरी तरीके से बाबा साहब के संविधान को खत्म करके दोबारा से उसी मनुस्मृति को ला रही है, लागू कर रही है, और उसी का परिणाम है कि आज एक महिला बोल रही है इतनी देर में। अगर किसी और देश में होता तो अब तक तो ये मंत्री वंत्री जो भी है सारे जेल में गए होते, सारे के सारे अब तक केस बन गए होते इनके ऊपर। एक महिला इस तरह से बैठी हुई है, आज कहां है मानव अधिकार, कहां है आज, कहां है आज? देखो कल वो आई महिला आयोग की, उसके साथ भी छेड़छाड़ होगी बताओ, उसको भी वहां सड़क पे 9 बजे बाहर निकल के उसको भी वो पूछ रहे रेट क्या तेरे, वो पूछ रहे बताओ। ये दिल्ली में राजधानी, भारत की राजधानी, ये हालत है। अभी पीछे अभी वहां सुल्तानपुरी में कंजावला कांड हुआ, उस बेचारी लड़की को घसीट दिया, और उसको इतनी मेहनत करने के बाद वो पूरा देश निकल गया, तब जाकर के 302 की धारा लगी। नहीं तो कल कहकर तो आए अमृतकाल चल रहा है, अगले 25 साल तक चलेगा। हाँ तो अमृतकाल तो यहाँ के अपर कास्टों के लिए ना, हमारे लिए थोड़ी है। देखो जो शिव है, जब समुद्र मंथन चल रहा है तो इतने चालाक है ये देवता गण कि इन्होंने जब वो जहर निकला तो हमारे आदिवासी शिव को पिला दिया, तू पी ले भाई बचा ले दुनिया, और जब अमृत निकला तो खुद पी करके बैठ गए। तो इसलिए अमृतकाल इन्हीं के लिए, हमारे से तो जहर है ना, हमारे तो वो विष देते हैं हमारे लिए। यहाँ के शुद्ध ढोल गवार शुद्र पशु नारी सब है विष के अधिकारी, और ये जो है तीनों जो अपर कास्ट है ये है ये अमृत के अधिकारी, इसलिए इनका अमृतकाल चल रहा है। सत्ता शासन सब इनके पास, तो अमृतकाल इनका। सारे काम ठीक हो जाएंगे, चमत्कारी बाबा से मिलो, धीरेन्द्र शास्त्री से। वो बेचारा अपनी जमानत करवा ले, वो वही बड़ी बात है, वो अपने आप को बचा ले, वो भागा फिर रहा है, वो उसका चमत्कार निकल गया। एक उसने वहाँ पर एक्ट है अंधविश्वास के खिलाफ, उसके लग गया केस लग गया। अब वो अपने आप को तो बचा के चमत्कार कर ले भाई। मैं 5000 साल से मेरी आस्था बिल्कुल तार तार हो रही है, जब भी मुझे जातिगत ये बोलते हैं तभी मेरी आस्था तार तार होती है। आज तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है, आज सिर्फ हम कानून की बात कर रहे हैं, जब भी तुम्हें तकलीफ हो रही है। अरे बाबा को बदनाम कर रहे हैं आप, धीरेन्द्र शास्त्री को। धीरेन्द्र शास्त्री जी को यहाँ लाओ, चमत्कार करो कि यहाँ पर एक मंत्र पढ़ेंगे और मोदी जी प्रकट हो जाए, और हमारे इन पहलवानों का बहन बेटी जो बैठी है इनका काम हो जाए। हाँ कैसे पचेगा, क्योंकि ये कहते हैं कि एक 60 साल का 80 साल का शूद्र और एक 5 साल का बच्चा जो बामण है वो उस 50 साल के जो आदमी है उससे उसका पुत्र तुल्य है, उससे बड़ा है, उसको उसका पैर छूने चाहिए। तो ये उसी सिस्टम को लाना चाह रहे हैं, मगर इस देश की महान जनता अब लाने नहीं देगी किसी हालत में। अब बैठ गए ना नौजवान मोर्चा संभाल करके, आज 3 दिन हो गए नौजवानों को मोर्चा संभाल के बैठे हैं। तो इसलिए अब इनकी ये गुंडागर्दी चलेगी नहीं। अब जो वो अपने ब्रिजभूषण जी हैं भैया, अब अपने आप को संभालो और इस्तीफा दो और आप जेल जाने को तैयार हो। यहाँ पर पहलवान बैठे महिलाएं, सबसे खतरनाक बात यह है कि
अभी तक क्यों नहीं केस रजिस्टर्ड हो रहा है? एक महिला बैठ करके या लड़की बैठ करके कह रही है मेरा यौन शोषण हुआ, खुल के बोल रही है, अपना पूरा एक महिला अपना मान सम्मान सब उसको ताक पे रख करके यहाँ बैठ करके बोल रही है, और 6 महिलाएं लड़कियां कल ही आ गई और भी प्रूफ के साथ, तो अभी तक उसके खिलाफ उसमें केस दर्ज क्यों नहीं हो रहा? नारी महिला उत्पीड़न के विरुद्ध क्यों नहीं हो रहा केस दर्ज? और क्यों अगर वो रिजाइन नहीं कर रहा है, भाई मैंने सुना कि वो कह रहा है कोई सवाल नहीं है रिजाइन करने का, तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय प्रधान भूषण कह रहे जांच करवाओ पहले, तो पद तो छोड़ो भाई, पद छोड़ो, केस बनेगा जब भी तो जांच होगी, पद पे बैठे रहोगे केस दर्ज नहीं होगा, कौन जांच करेगा? कौन सी एजेंसी जांच करेगी? जबरदस्ती जांच हो जाएगी, पहले इसके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए और इसको सबसे पहले रिजाइन करें, नहीं तो इसको बर्खास्त किया जाए। उसके बाद दे रहे हैं कि फांसी लगा लेंगे अगर साबित हो, और इसके लिए आत्महत्या करने के लिए एक और केस दर्ज होना चाहिए, ये तो इसमें कानून है, आत्महत्या करना अपने आप में या उसकी धमकी देना अपने आप में गैर कानूनी है, उसके खिलाफ भी केस दर्ज होने चाहिए। केस दर्ज करके ये वही आदमी है कि जिसने एक उसको झारखंड में वहां एक बच्चे को एक उसको अपनी बात कहने पर पहलवान को स्पोर्ट्समैन को थप्पड़ मारा, गुंडागर्दी करी, तमाम किया, तो ऐसे लोग जब तक नहीं हटेंगे तब तक सिस्टम हमारा पारदर्शी नहीं होगा। सवाल ये कि देश जो देख रहा होगा वो लड़कियां हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट लाई, वो आज धरना पे बैठी हुई है, तो देश को कैसा लग रहा होगा? देश को तो छोड़ो, कल मैं देख रहा था इन्हीं लड़की से, ये लड़की और एक और वो जो दूसरा एक और यहाँ नौजवान पहलवान बैठा हुआ है उसके साथ प्रधानमंत्री जब ये जीत के आए थे तो प्रधानमंत्री जी स्पेशल इनके साथ बात कर रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, और आज प्रधानमंत्री महोदय, आज 3 दिन हो गए इनको यहाँ बैठे हुए, तो आज प्रधानमंत्री महोदय इनको टेलीफोन क्यों नहीं कर रहे हैं, इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, इनकी पीड़ा पूछो, कितनी दूर है रेसकोर्स, रेसकोर्स यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की कोठी यहीं बुला लो, आपको यहीं आने संसद में बुला लो, विज्ञान भवन में बुला लो, उनसे बातचीत तो करो। ब्रिजभूषण जी तो कह रहे हैं अगर मैं अपना मुंह खोल दूंगा तो सुनामी आ जाएगी, नहीं तो खोलो ना, अरे सुनामी अगर आप धमका रहे हो, आप धमका रहे हो उसका मतलब कि आपने क्या ये होगा कि इनकी वीडियो बना ली होंगी और क्या क्या उल्टे काम जबरदस्ती करवा करके, यही होगा ना, इन बच्चों के खिलाफ इनको फोर्सफुली इनके वीडियो बनाए होंगे और तुम खुद ही मरोगे अगर ऐसा, उन्होंने तो कह दिया ना यौन शोषण होता था, अगर तुम इस तरह की कुछ बात करोगे, हाँ अगर सुनामी आ जाएगी, मुझे लगता है कि इनके खिलाफ नहीं, कुछ और बड़े चेहरे जो बड़े लोग उसमें जो अभी चुप हैं वो इसमें जरूर फंसे होंगे, उनके नाम आएंगे, और इसलिए धमका रहे हैं, ये धमका रहे हैं ऊपर वाले लोगों को, धमका रहे हैं जो इनको बर्खास्त ना करें, इनके खिलाफ एक्शन ना लें। है कि जब बहुत दिन हो जाता है फिर लड़कियां बाहर आती हैं, जो भी जिनके साथ ये हुआ पहले से आवाज उठाना चाहिए। देखिए भारत की आप पृष्ठभूमि को समझ रहे, यहाँ के कल्चर को समझ नहीं रहे हो, यहाँ सबसे कमजोर पीड़ित लड़की है, महिला है, अगर वो लड़की बड़ी मुश्किल से तो परिवार वाले उसको खेलने जाने देते हैं, वो भी कुश्ती का खेल खेलने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, पढ़ने तो जाने नहीं देते, मगर कुछ जा भी रही है, अगर वो पहले ही कह देंगी हमारे साथ ऐसा हो रहा तो माँ बाप उसको पकड़ के घर में बिठा लेंगे और दूसरी लड़कियों को भी नहीं जाने देंगे। आप लड़कियों की तकलीफ नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी आजादी पे पाबंदी लग जाएगी, इस तरह से ये भेड़िए जो भूखे भेड़िए इस तरह जो हमारी बहन बेटियों का शोषण करते हैं, वो काम पे जाएं, स्पोर्ट्स में जाएं, पढ़ाई में जाएं, तो उनका इस शोषण करने के लिए भूखे भेड़िए, इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत जेलों में डालना जाना चाहिए, बाद में होगी तुम्हारी जांच, पहले इनको 10-20 साल इनको जेल में डालना चाहिए। सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया इस मामले को? हां तो वो कह रहे हैं ना, धमकी दे रहे हैं, जैसे हमारे पत्रकार भाई साथी ने पूछा कि वो कह रहे हैं सुनामी आ जाएगी, इसका मतलब उनके पास बड़े बड़े और भी वो उनके ऊपर के लोग हैं जिनकी उनके पास वो वीडियो होंगी कुछ उल्टे काम करते हुए, तो उनको धमकी दे रहे हैं वो कि मेरे खिलाफ मेरे को फोर्स मत करना रिजाइन करने के लिए, मेरे खिलाफ कोई एक्शन मत लेना, नहीं तो मैं ऐसे सबूत दे दूंगा कि फिर तुम भी मारे जाओगे मेरे साथ साथ, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, तुम्हें भी ले डूबूंगा। प्रधानमंत्री का जो नारा है तो क्या उसके जो नेता है उस पर अमल नहीं कर रहे क्या? नहीं नहीं, देखिए प्रधानमंत्री महोदय ने नारा तो दे दिया, बहुत अच्छा नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो उनके और लोग हैं वो तो पुरुष प्रधान मानसिकता के लोग हैं ना, अभी हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पुरुष प्रधान मानसिकता ही चलेगी, साई से जुड़े हुए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये तमाम जितने भी हैं इसमें जितने भी अध्यक्ष बने हैं सदस्य बनते हैं सब अपर कास्ट बनते हैं, इसमें SC ST के लोग को ना सदस्य बनते हैं ना उसके चेयरमैन बनते हैं। दूसरी बात ये जो अभी जो उसकी बात उठी हमारी मेघवाल बहन की जो अभी वो करके आई है वहाँ से गोल्ड लेके आई है, और जो कुक्कू और एक हमारे और हैं मुकेश कुमार जी जो सिल्वर लेके आए हैं वो भी सफाई कामगार हैं, और लेकिन ये कह रहे हैं कि जी प्राइवेट, अरे कुछ अगर प्राइवेट नहीं जाते तो तुम जाने भी नहीं देते अगर सरकारी उसमें होते तो, और दूसरी बात प्राइवेट भी गए अपने बल पे गए हैं, वो जीत करके लाए तो किसका नाम हुआ? भारत का। अगर वहां पर थाईलैंड में अगर नाम हुआ है तो भारत का झंडा था, उनका व्यक्तिगत घर का झंडा नहीं था, ना किसी जाति का झंडा था, तो इनको तो और खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बिना मदद के बिना सपोर्ट के 3-3 लोग भारत के, कुक्कू मुकेश सिल्वर लेके आए, कुक्कू जी गोल्ड लेके आए, और अर्चना वो मेघवाल हमारी वो लेकर के आई, महिला एक लेकर के राजस्थान की, तो तुम्हें उन तीनों को तो और ज्यादा सम्मान देना चाहिए था। मैंने आज ही चिट्ठी लिखी है पंजाब सरकार को, तो लिख दी है
उन दोनों के बारे में और उसके मेघवाल के राजस्थान के लिए मैं अभी शाम को जाके लिखूंगा। आज ही लिखिए कि इनको पूरा, इनको नौकरी चाहिए, इनको पूरा पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रॉपर राजकीय सम्मान चाहिए। वो आपको देना पड़ेगा, देना चाहिए, क्योंकि अपने बल पे गए। और तीसरी बात ये कि इनको बदलने का एक मौका ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां जो पावर में आती हैं, जो अपने सदस्य और चेयरमैन बनाती हैं, ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। प्रॉपर इलेक्शन होने चाहिए, जैसे कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन होते हैं, दूसरे उनके होते हैं, उसी तरह इसके राजनीतिक व्यक्ति की एंट्री नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, हो तो आप प्रॉपर वो भरो ना भैया, पर्चा भरो, और जो कुश्ती से जुड़े हुए लोग हैं वो वोटर होने चाहिए, और उसमें रिजर्वेशन हो कि दो टर्म के बाद तीसरा टर्म अनुसूचित जाति का कंपलसरी बनेगा ही बनेगा, उसका अध्यक्ष उसका ये कुश्ती संघों का। कहा जा रहा है ये जो बवाल पूरा मचा हुआ, क्योंकि इसका भी चुनाव होना है, देखिए नहीं देखे जो 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 अभी अभी जो तैयारी चल रही है उसकी, ओलंपिक की, ये ओलंपिक के लिए ये सब तमाम ये सब घालमेल हो रहा है कि ओलंपिक में अपना बंदा बिठाना है उनको, ऐसा कि जो उनकी बात माने, पूरी टीम बनानी है। अभी बहुत सारे घोटाले होने, बड़े भ्रष्टाचार होने हैं, तो ओलंपिक जो बड़ा एक इवेंट होने वाला है, जो अभी अभी पिछले महीने जो तय हुआ है, सब पे हुआ है, तो ये तमाम चीजें ये सारी चीजें चल रही हैं। देखिए हमें 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 ये कहना है कि यहाँ पर जातिगत ये यौन शोषण का मामला हम इसलिए समर्थन देने आए।